वेलकम बैक टू आवर चैनल सेप्टर फिट लाइफ और मेरा नाम है चिराग शर्मा और आपका स्वागत करता हूँ एक ब्रांड न्यू वीडियो पे। सो गाइज, इस वीडियो में हम लोग कुछ अलग बात करने वाले हैं, थोड़ा सजेशन काइंड ऑफ वीडियो होने वाली है कि जैसे कि आपको पता ही है फेस्टिवल सीजन आ गया है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैसे आप फेस्टिवल सीजन के बीच में अपनी बॉडी को सबसे कम हार्म करते हुए भी फूड एंजॉय कर सकते हैं, और कुछ ऐसे सजेशन दूंगा मैं आपको जो आपको इस दिवाली अडेप्ट करने हैं ताकि आपकी बॉडी जो आप डाइटिंग पे हैं, जो आपकी कंसिस्टेंसी चल रही है और जो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं वो खराब ना हो। सो गाइस स्टे ट्यून्ड। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि मैं भी अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में हूँ एंड मैं भी डाइट कर रहा हूँ, ऐसे ही दुनिया में काफ़ी लोग डाइट कर रहे होंगे इंडिया में स्पेशली। सो जैसा कि फेस्टिवल सीजन अराउंड द कॉर्नर है, चल रहा है एंड दिवाली भी बस 2 से 3 दिन दूर है, तो फेस्टिवल के टाइम पे डाइट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब इसके कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोस्ट ऑफ द जो हाउसेज हैं वो लोग दिवाली या किसी भी जो बड़ा फेस्टिवल होता है जिसमें हम लोग घर पे पूजा करते हैं, तो उसमें ना तो आप नॉनवेज बना सकते हो एंड ऊपर से खाना इतना मतलब टेस्टी बनाया जाता है, पूड़ियाँ कचौड़ियाँ एंड बाहर से मिठाइयाँ भी लाई जाती हैं, तो बंदा कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। तो फेस्टिवल्स पे डाइट हो नहीं सकती एंड करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लाइफ एक ही है यार, एंजॉय करनी है, खाना खाओ, हाँ ठीक है, मतलब आदत मत बनाओ उसको, फेस्टिवल है यार, एंजॉय करो। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे क्या क्या फूड ऑप्शंस हैं जो आप चूज कर सकते हो उन्हीं मिठाइयों में से, उन्हीं फूड में से, उन्हीं मतलब जगह से, कि आपको सबसे कम हार्म हो, जो भी आपने प्रोग्रेस की है अपनी बॉडी पे, जो भी आपने डाइटिंग में अचीव किया है, जो भी आप आगे वर्कआउट कर रहे हैं, ताकि वो आप वेट गेन भी ना करें और आपका फैट भी ना बढ़े एंड आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और बाकी सारी ओवरऑल हेल्थ आपकी बेटर रहे। सो गाइज, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं, जैसे कोई फेस्टिवल है, हम लोग खाना खाने लगे हैं, पूड़ी खाने लगे हैं या फिर कोई भी मिठाई खाने लगे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि मिठाई खाने लगे हैं। सो मिठाई में हमारे मैक्रो ब्रेकडाउन क्या होते हैं, एक मोटा मोटा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लो आप रसगुल्ले। रसगुल्ले कैसे बने होते हैं, पहले तो वो सम काइंड ऑफ मिक्सचर एंड वो डीप फ्राइड होता है, डीप फ्राई होने के बाद वो चाशनी में जाता है, डीप फ्राई मतलब फैट, ट्रांस फैट नहीं खाने, फिर वो चाशनी में जाता है, शुगर, रिफाइंड शुगर। तो ऑलमोस्ट सारी मिठाइयाँ ऐसे ही बनी होती हैं, या तो वो फ्राइड होंगी, या तो वो शुगर ज़्यादा रिच होंगी, या तो वो दोनों होंगी। तो हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हमें मिठाई खानी भी है बिकॉज मुँह मीठा करना है यार, दिवाली है, कोई छोटा मोटा त्यौहार नहीं है। सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हम ऐसे कुछ ऑप्शंस चूज कर सकते हैं जो हमें सबसे कम नुकसान दें। फ्राइड वाला ऑप्शन तो देखो गाइस चूज करना नहीं है। सो मैं यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहा कि फ्राइड अच्छा है या शुगर अच्छा है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने सबसे कम हार्म करने वाला जो ऑप्शन है वो लेना है। यहाँ पे हमारा कंसेप्ट आता है कि चूज द बैड आउट ऑफ द वर्स्ट, मतलब सबसे बुरे में से कम बुरा चुनना है। कोशिश कीजिए सिर्फ एक मील आपने लेनी है जो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी या फिर जो भी आपको लगता है कि आपके लिए ख़राब करने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या क्या ऑप्शंस ले सकते हो दिवाली पे मिठाइयों में जो आपको बहुत कम हार्म करने वाले, हार्म होगा थोड़ा बहुत होगा, बट गाइस देखो दिस इज़ अ बैलेंस, अगर एंजॉयमेंट करनी है तो थोड़ा सा प्रोग्रेस को निग्लेक्ट करना पड़ेगा। सो ये टोटली आपकी कॉल है कि आपने कैसे करनी है एंड सो मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे बर्फ़ी वगैरह हम लोग खाते हैं, मिठाइयाँ आती हैं कई अच्छी स्वीट शॉप्स पे, शुगर फ्री मिठाइयाँ भी अवेलेबल हैं एंड काफ़ी ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करते, करेंगे भी तो भी कम करेंगे बिकॉज उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कंट्रोल में होता है। सो मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। बर्फ़ी खा सकते हो बिकॉज उसमें हाँ बैड फैट होते हैं बट थोड़े बहुत, और थोड़ी शुगर होगी बट वो डीप फ्राइड नहीं है। आप ड्राई फ्रूट्स पे जोर दे सकते हो, रोस्टेड बादाम आते हैं, रोस्टेड काजू आते हैं एंड काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ़ायदा दे सकती हैं ड्राई फ्रूट्स में, अखरोट आते हैं, सो वॉलनट्स खा सकते हो आप। गाइज एक और बात, एक और सजेशन देना चाहूँगा, कोशिश कीजिए अगर आप मीठा नहीं खाना चाहते और आप बाहर हैं या कोई स्नैक खाना चाहते हैं या सेलिब्रेशन में कुछ अच्छे फूड टेस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेटर हैं और बहुत अच्छे तरीके से कुक होते हैं एंड कुछ अच्छे इंग्रेडिएंट से बने होते हैं। जैसे कि पहली चीज़ जो मुझे लगती है वो है ढोकला। ढोकला अगर जो मीठा ढोकला ना हो, जो शुगर में चाशनी में डुबोया वाला ना हो, सो ढोकला एक बहुत ही बेटर ऑप्शन है क्योंकि वो बेसन से बनता है, बेसन बनता है काले चनों से, सो बेसन वाले ढोकला खाना ज़्यादा बेटर है जो सॉल्टी होता है, जिसमें तड़का ना लगाओ, जो सॉल्टी होगा और जिसमें थोड़ा सा ऊपर से ऑयल से तड़का लगा होता है, वो वाला ऑप्शन आप ऑप्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो मुझे बहुत बेटर लगता है, साउथ इंडियन फूड।
जो बिना ऑयल के आप बनवा सकते हैं, जैसे कि इडली। इडली आप पूरी स्टीम्ड होती है, इडली खा सकते हैं आप, एंड इवन आप डोसा भी खा सकते हैं, क्योंकि उनके पास नॉन स्टिक पैन होता है। अगर आप बाहर हैं या घर पे भी बना रहे हैं तो नॉन स्टिक पैन के ऊपर आप विदाउट ऑयल का आप डोसा खा सकते हैं। आप डोसे में क्या कर सकते हैं, आलू की स्टफिंग होती है, वेजिटेबल स्टफिंग्स होती है, ठीक है कोई बात नहीं, आप एक दिन खा लीजिए, मैक्रोस मत गिनिए। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपको कुछ ऑप्शंस बताए जो आप खा सकते हो, अब हम बात कर लेते हैं हमें क्या अवॉइड करने हैं फेस्टिवल में, क्या दूर रहना है। हाँ थोड़ा सा हार्श है, बट हाँ ये चीज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। गाइज सबसे पहला सजेशन जो आपने अवॉइड करना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अल्कोहल से दूर रहिए। दो फायदे होंगे इससे, एक तो आपका मतलब आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं होने वाला, दूसरा फायदा आपका फेस्टिवल बहुत अच्छा जाएगा। गाइज ये फेस्टिवल सिर्फ आपका नहीं है, ये फेस्टिवल आपके पूरे परिवार का है, सब लोग इसमें इंक्लूड होते हैं, आप सब लोग इकट्ठे मिलके मनाइए। दूसरी चीज, डीप फ्राइड फूड से दूर रहिए, समोसे कचौड़ियाँ इन सब चीज़ से दूर रहिए, हो सके तो पूड़ी कचौड़ी से मतलब अवॉइड कीजिए। उस दिन के लिए सिर्फ फेस्टिवल सीजन के लिए कुछ आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, जैसे कि आप प्रोटीन की चॉकलेट्स आती हैं, प्रोटीन बार्स आती हैं, कई ब्रांड की आती हैं, आप वो खरीद सकते हैं, या फिर आप प्रोटीन के सैशे ले लीजिए, छोटे एक एक सर्विंग वाले सैशे फॉर्म भी आते हैं प्रोटीन के, किसी भी सप्लीमेंट आप अच्छी दुकान पे जाएंगे तो वो लोग आपको सैशे प्रोवाइड करवा देंगे। सो आप वो सैशे ले लीजिए, तीन सैशे आई थिंक इज इनफ, दो से तीन सैशे आपके सही रहेंगे दिन में। अगर आप अप्रॉक्सीमेटली 25 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन अगर एक सैशे में होता है तो आपको रफली 75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको उस दिन का आपको सैशे में से मिल जाएगा। गाइज एट द एंड बात ये आती है कि दिवाली है भाई, मैक्रोस काउंट मत करो, खुशी मनाओ, अच्छे से खाओ पियो, एक मील पे चीट कर लो, बाकी सब कीप इट क्लीन, कोशिश करो कि सब कुछ क्लीन रहे, गंदा मत खाओ, मतलब खा ज़्यादा लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और थोड़ा बहुत मतलब चलता है चीटिंग, बट इतना ज़्यादा गंदा मत खाओ कि सुबह भी समोसे, दोपहर में कचौड़ियाँ, रात में जलेबियाँ एंड चल रहे हैं, बस आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। सो गाइज ये था मेरा मैसेज सब लोगों को दिवाली के लिए, हैप्पी दिवाली इन एडवांस सब लोगों को, सारे लोग बहुत मजे कीजिए, और उम्मीद करता हूँ सबके घर में बहुत खुशियाँ आएंगी। सो गाइस एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, इस वीडियो के बाद आपको एक बोनस वीडियो मिलने वाली है। बोनस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, एक रेसिपी बताऊंगा मैं आपको, जो मैं प्राइवेटली अपने लिए बनाने वाला हूँ, पर्सनली अपने लिए बनाने वाला हूँ। वो रेसिपी मैं अपने लिए एक स्वीट बनाऊंगा, एक मिठाई बनाने वाला हूँ, जो कि दिवाली के टाइम पर मैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए बना रहा हूँ। आपको नेक्स्ट वीडियो में वो रेसिपी मिल जाएगी, तो वो रेसिपी जरूर देखिएगा और अपने घर वालों को बताइए कि वो आप भी बनाएं और टेस्ट कीजिए, और आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी।